to come back with another episode of wave talks on reliance can it charge with a double a power ramco and amazon or will it discharge girega आइए देखते हैं सभी संभावनाओं को 20 जुलाई 2020 के लिए। चेक यू ऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंटली प्लांट सेल ऑफ इट्स फिफ्थ ऑफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस टू दिसदी बेस्ड फॉर्म कॉल्ड अरमको विच गॉट स्टॉल स्टॉप ऑन टेम्पर बेसिस वाई सो बिकॉज अरमको सऊदी बेस्ड फॉर्म सॉ 20% परसेंट कट

दूसरी तरफ आप देखेंगे इंटेल गूगल गूगल रिसेंटली इन्वेस्टेड इन टू रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़े महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले आप देखेंगे जनरल न्यूज चैनल यू नो बिजनेस न्यूज चैनल सभी लोग चिल्ला रहे थे चीख रहे थे कि Uh, देखा कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स विच रिलायंस इंडस्ट्रीज इज गेटिंग लेमन वॉज टॉक नाउ ऑल्सो दे आर टॉकिंग देखा रिलायंस uh, uh, कैसा इन्वेस्टमेंट आ रहा है so सो रिलायंस तो यू नो दो हजार हो जाएगा चार हजार हो जाएगा 5000 हजार हो जाएगा दिस इज वॉट इट इज कॉल्ड यूफोरिया और इसी बैकिंग पे Uh, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज इज रेडी टू रंबल विद एमेज और वॉलमार्ट क्या अमेजोन और वॉलमार्ट से टक्कर लेने की uh, सोच रहा है फॉर दिस कंट्रीज ह्यूज ई कॉमर्स बिजनेस थ्रू इट्स कॉन्ग्लोबरेट यू नो रिलायंस मैं बोलूंगा कि पहले उन्हें अपना सप्लाई चेन ठीक करना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑन द सेम लाइन्स एज एमेजॉन एमेजॉन की डिलीवरी आप देखते हो कैसे एज एन इंडिविजुअल यू मस्ट है डिलीवरी आपको एक परफेक्ट डेट टाइम दिया जाता है डिलीवरी का अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो एक बार दो बार तीन बार अटेम्प्ट भी करते हैं एंड दे इवन गिव यू ऑप्शन आल्सो फॉर डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट्स टू सम अल्टरनेट यू नो पर्सन इन केस यू आर नॉट अवेलेबल एंड अर्जेंसी में आप कहीं चले गए सो so, इनका सप्लाई चेन कितना स्ट्रांग है सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टू वर्क ऑन इट्स फाउंडेशन फर्स्ट इट्स सप्लाई चेन Right. और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने एंड पॉप स्टोर्स को करना पड़ेगा व्हाट इज दिस एंड पॉप स्टोर्स मॉम एंड पॉप स्टोर्स अरे वो जो किराने की दुकानें होती है जो आपके बिल्डिंग के नीचे भी हैं छोटी छोटी दुकानें बाप दादाओं की दुकानें जनरल स्टोर्स छोटे छोटे जो अभी भी हैं चल रहे हैं बट उनका बिजनेस अब ठप हो गया है बिकॉज ऑफ दीज यू नो बिग जायंट्स हमारे इंडिया में ये जायंट्स कौन कौन से हैं आपके घर के अगल बगल होगा डी मार्ट डी मार्ट के वजह से इनका धंधा ठप हो चुका है ये ऑलमोस्ट ठप हो गया है ऐसा सिचुएशन है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हैव टू मेक देम द ऑनलाइन यू नो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग दे हैव टू मेक देम स्ट्रांग So, uh, कैसे होगा वो उन लोगों को टेक फ्रेंडली बनाना होगा दे you know, uh, 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 जाके उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा राइट right? और तभी सप्लाई चेन सुधरेगी और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो uh, गुड न्यूज़ भी है अगर आप छोटे-छोटे गांव कस्बों में चले जाएंगे इफ यू गो टू स्मॉल हब्स एंड टाउन्स यू विल रियलाइज दैट पीपल आर आस्किंग फॉर डेलमोंटे ऑलिव्स और यू नो इटली के फोकाचिया ब्रेड मांग रहे हैं फोकाचिया सो वीकेंड है भाई फोकाचिया ब्रेड तो बनता है बनाना चाहिए आपको राइट right. क्या ग्लोबल ट्रेंड है एवरी वन इज वॉचिंग ग्लोबल ट्रेंड्स एंड दे टू यू नो मैच दैट तो क्या ये गैप को रिलायंस फिल कर पाएगी जैसा कि कुछ साल पहले रिलायंस ने किया था फ्यू इयर्स बैक रिलायंस यू नो प्रोवाइडेड हैवी डिस्काउंटेड फोन्स फोन्स टू ऑल एवरी इंडिविजुअल इन दैट स्मॉल टाउन्स एंड हब्स गांव कस्बों तक उनका फोन पहुंच चुका था तीन सौ रुपए में आप बात कर सकते हैं साल भर के लिए छह महीने के लिए आपको मालूम है क्या क्रेज हो गया था अपने प्रतिद्वंदियों का दांत खट्टा कर दिया था उनको नाको तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था सो कैन इट चार्ज विद डबल ए पावर अरामको और एमेजॉन एमेजॉन की तरफ देखकर उसकी तरह बड़ा बनकर क्या उसको टक्कर दे पाएगी रिलायंस और विलेट गेट डिस्चार्ज से गिरेगी आइए देखते हैं प्राइस की जुबानी रिलायंस की कहानी So uh, this is a monthly chart, and before we start, let me just uh, give you a short preview of what I'm going to you know discuss over this video idea in rest half. Uh, I'm going to uh, you know uh, show you exactly what happened in my last uh, ideas. This is very important because uh, this was an amazing killer idea, you know. बहुत सारा पैसा आपने बनाया प्लान बी में लिखा था 1800 से 1700 और प्लान सी में लिखा था बाय करने के लिए 1700 से 1800 और 1850 टारगेट ये सभी टारगेट अचीव हो गए अगर आप मेरे ट्रेडिंग व्यू के लास्ट आइडिया जाएंगे और हम अपने टॉक्स वेव ट्विटर प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने अभी जस्ट दो दिन पहले हमने सिक्सटीन जुलाई पे ट्वीट किया था कि अबीन फिफ्टी लुक फॉर नाइनटीन हंड्रेड यार एंड वील डिस्कस नेक्स्ट वेव काउंट एंड वॉट नेक्स्ट We'll check out the sentiment as well. So let us uh, quickly jump onto my trading view profile page and uh, just pull up that idea. Uh, I'll type Reliance in the search box and I'll get all my ideas here. So these were a couple of ideas which I published for on Reliance Industries uh, on June 8th. This was first idea, and uh, you know Jul, uh, June twenty first I published this idea. Wave talks part two. Careful at sixteen hundred highs. So अगर idea of yeah. the आपने रेफर किया होगा ये आइडिया तो उसमें मैंने प्लान ए प्लान बी प्लान सी लिखा था प्लान ए तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है इसमें प्लान बी क्या था शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो कि वेरी मच इफेक्टिव था इट वाज सेल सेल कहाँ पे होल्डिंग बिलो 1800 लेवल्स हम 1750 और 1700 का टारगेट बोल रहे थे और बाद में प्लान सी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बाय कहाँ से Uh, अगर वो 1700 के ऊपर होल्ड करता है तो बाय फ्रॉम 1700 हंड्रेड एंड अब और क्लोज बाय लेवल से का target, target 1800 का टारगेट टारगेट ऑफ 1800 फर्स्ट टारगेट एंड देन 1850 टारगेट टू ऐसा और उसके बाद हम प्लान ए सजेस्ट किया था व्हिच इज सेलिंग यू नो वंस टॉप्स आउट सेलिंग फ्रॉम द टॉप्स जो भी हो टॉप आउट हो जाए उस पर हम सेलिंग करने का प्लान कर रहे थे राइट right? तो अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर में जाएंगे अभी आप लेट मी जस्ट टेक यू इनटू द प्राइस स्ट्रक्चर एंड शो यू एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपन्ड एंड बिफोर वी गो इन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड नेविगेट टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स लेट मी जस्ट इवन शो माई ट्विटर प्रोफाइल सो एंड व्हाई यू नीड टू फॉलो एंड सब्सक्राइब इट दिस इज माई ट्विटर प्रोफाइल सो so, uh, अगर आप इस ट्विटर प्रोफाइल पर आप जाएंगे मैं ट्वीट करता रहता हूं ड्यूरिंग मार्केट एज वीडियोज डाल नहीं सकते तो आई जस्ट कीप ट्वीटिंग सो लेट मीन जस्ट टेक यू ऑल टू सिक्सटींथ यू नो जुलाई री ट्वीटेड दीज सो लेट मीन जस्ट को लिटल डाउन टू चेक द ट्वीट ऑफ जुलाई सिक्सटींथ विच इज फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टाइम टू रिव्यू रिलायंस द स्टॉक लास्ट डन ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लान बी और प्लान मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने यहां पे क्लियरली लिखा था कि एक्सपेक्ट बाउंस टू हंड्रेड अबीन फिफ्टी ये मैंने बोला था कब बोला था जुलाई 16 को नाउ लेट अस कम बैक टू रिलायंस एंड वील गो टू शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड वील इवन चेक वेव काउंट नेक्स्ट एंड वॉट्स नेक्स्ट सो लेटर्स नेविगेट टू अ लोअर टाइम फ्रेम फोर आवर चार्ट एंड सी जो कि बेस्ट ट्राइंगल बनता है जहां पर बन गया और यहां से हमको थ्रस्ट मिला वेव फाइव जिसे मैं काउंट किया सिक्सटीन हंड्रेड का टॉप मारा वहां से ये यू नो आठ सौ सत्तर गिर गया ये डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन और जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में जब वो यू you नो know, uh, मैंने निफ्टी बोला था सेल करने को आप सभी को याद रहेगा ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड वहां से you know, uh, uh, मतलब पांच वेव का सीक्वेंस बट ये पांच वेव का सीक्वेंस मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है इट कैन बी एन इरेग्युलर करेक्शन और यही चकमा देता है इट कन्फ्यूज एवरी वन यू नो

और आपको पहले ये दिखाता हूँ कि हमने जो ट्वेंटी फर्स्ट जून को आइडिया डाला था वो यहाँ था 1800 के यहाँ पे तो 1800 से मैंने 1750 और 1700 बोला था उसका लो देखिए आप लुक एट द लो 1695 जस्ट बिलो 1700 हंड्रेड इट कॉर एंड देन प्लान से क्या था बाइंग अब 1700 और क्लोज बाय जो क्लोज बाय यार पांच पॉइंट का यू नो गैप था You know, नीचे था बस सेवनटीन हंड्रेड so uh, you know, right. ये हो चुका था एज पर माय ट्रेडिंग व्यू आइडिया नाउ व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग दिस एज ए इसको हम वेव ए क्यों ले रहे हैं और uh, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये वेव बी होगा या यू you नो know, करेक्टिव uh, सीक्वेंस हो सकता है बिकॉज यू नो आप इसको चैनल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्राइस है ना एक्सप्लोजिव नहीं है आप ये भले ही एक्सटेंड हो रहा है इट इज लुकिंग इम्पल्सिव ऑन अ शॉर्टर डिग्री बट ये यू नो इट इज नॉट गिविंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव मूव बड़ा एक्सप्लोजिव मूव होता है वेव थ्री में एज कम्पेयर टू अगर वेव थ्री का आप मूव देखेंगे तो ये ऐसे होता है लेट मी जस्ट शो यू ऑल एग्जैक्टली ऐसे मूव होता है ये वेव वन है वेव टू है और वेव थ्री ऐसे वर्टिकल होगा फिर वेव फोर होगा और वेव फाइव होगा समथिंग लाइक दिस जस्ट टू सेटिंग्स एंड मार्क दिस दिस कलर ओके सो ऐसे होगा ये वेव वन वेव टू वेव थ्री वेव फोर वेव ये वेव थ्री एकदम वर्टिकल होता है तभी उसको लगता है मतलब ये उसका यू नो पर्सनालिटी ऐसा निखर के आता है इट इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी आपने अपनी मिडिल फिंगर देखी है दैट इज वेव थ्री नाउ डोंट शो मिडिल फिंगर टू एनी वन दैट इज रॉन्ग एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल यू नो कि ये कैसे है Uh, देखा ये यहाँ पे यू uh, नो you know, ये चैनल के अंदर मूव हो रहा है एक्चुअली uh, आप देखेंगे हमने चैनल कैसे बनाया हमने ये बॉटम इस बॉटम को पकड़ा इस बॉटम से इस बॉटम को कनेक्ट किया एंड आई हैव कनेक्टेड डेस्कटॉप लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड जस्ट शो यू क्विकली वंस अगेन आई हैव टेकन दिस पारल चैनल फ्रॉम हियर ड्राॅइंग टूल पैनल से हमने इस बॉटम पे रखा इस बॉटम को इस बॉटम को हम क्लिक करते हैं ऐसा क्लिक कर देते हैं और हम इस टॉप पे पास करते हैं आप इस चैनल को बढ़ा सकते हैं डबल क्लिक करेंगे यू डबल क्लिक ऑन दिस चैनल यू कैन एक्सटेंड लेफ्ट एंड यू कैन एक्सटेंड राइट सो लेट मी एक्सटेंड राइट लेफ्ट की जरूरत नहीं है नॉट रिक्वायर्ड ऑन लेफ्ट साइड एक्सटेंशन तो राइट right साइड में आप देखेंगे इट इज जस्ट यू नो हॉल्टेड हियर मिडिल uh, चैनल जो सेंटर लाइन रिवर्सल बोला मैंने हमेशा की दैट इज आल्सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है सेंटर लाइन रिवर्सल सो क्या पॉसिबिलिटी है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट सो आई आई एम काउंटिंग दिस होल एज अ करेक्टिव बी लेग ये तो एक लग रहा है कि ये करेक्टिव सीक्वेंस है एज पर माई एजम्शन अनलेस इट यू नो गोज वर्टिकल अपसाइड अगर ये दो के ऊपर जाता है इफ इट गोज

रिवर्स uh, रिवोर्सोनाची में कैसे यूज करने का ये आप यू uh, नो you know, ये ले सकते हैं आप फिब रिट्रेसमेंट आप ले सकते हैं और ये जो uh, ये है वेव फाइव से वेव ए का डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं राइट तो uh, पीछे वाले वेव का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा टाइम्स exactly ऑफ़ दिस डिस्टेंस पे ये टॉप कर गया चार मैं रखता हूं रिवर्स वेव बनाची के लिए यू नो टू गेस और टू गेट टॉप्स So, अगर आप ये पीछे का वेव मेजर करेंगे सो इट शुड ईर स्टॉप एट वन थर्टींट फाइव परसेंट विच इज हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट वन पॉइंट सिक्स टू परसेंट इज हंड्रेड एंड सिक्सटी टू परसेंट और टू हंड्रेड परसेंट ये रिवर्स फिबोनाची में ऐसे टॉप हम पकड़ सकते हैं सो so, अगर ये टॉप हो गया है लॉजिकली और ये फॉल आप देख रहे हैं कैसा है

जुलाई uh, को मैंने कहा था क्या 1850 के ऊपर अगर जाएगा तो 1900 हो जाएगा uh, मैंने अभी जस्ट अपने uh, ट्वीट्स दिखाए थे वो तो ये ये भी अचीव हो गया टारगेट अगर आप ऊपर देखेंगे क्या ये इंपल्सिव फॉल हो सकता है इट बी एन वेरी इंपल्सिव फॉल आपने देखा नाउ यू सी दस वॉट फॉल इज दिस आपको याद आ रहा है वॉट इज दैट दैट वे फाइव ये नीचे की तरफ वन टू और ये थ्री है ये फोर है और ये फाइव है यू नो लेट मी जस्ट मेड अ मिस्टेक लेट मी टेक इट वंस अगेन वे यहां से इस टॉप से आप देखेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव है ना जादू यू you नो know, uh, अगर आप यहां देखेंगे टॉप पे इट इज वन टू थ्री ये थ्री दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अ वेव थ्री ये देख वर्टिकल कितना मैच हो रहा है ये वर्टिकल वेव और ये वर्टिकल वेव सो इट इज वन टू थ्री और जो आपने ट्रेड किया वो ये वेव फोर था जो कि यहां पे कहीं पे भी टॉप आउट कर सकता है और हमारा रूल क्या है आपको मालूम है वेव फोर कैन नेवर गो इन टू वेव वन टेरिटरी दैट इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा आपका स्टॉप लॉस ये होगा यू you नो know, वेव वन का ये लेवल होगा क्योंकि वेव वन यहां पे एंड होता है तो वेव फोर कभी भी इस नो के अंदर नहीं जाएगा वेव फोर कभी भी वेव वन के अंदर नहीं जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और उसका लेवल क्या है उसका लेवल क्या है डेट इज नाइनटीन फोर्टीज अगर आप देखेंगे नाइनटीन फोर्टी है उसका लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे सो दिस इज नाइनटीन वो नाइनटीन लेवल है अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारा यू you नो know, हम अज्यूम करेंगे कि ये कुछ और है ये कुछ करेक्टिव सीक्वेंस है बिकॉज वेव फोर कभी भी वेव वन के अंदर नहीं जाएगा और आपका यू नो रूल गलत है यू uh, नो you know, ये वॉयलेट कर जाएगा रूल तो ये कुछ और करेक्टिव सीक्वेंस है ऐसा भी होता है सो योर स्टॉप लॉस हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्टीन फोर्टी या 10 पॉइंट ऊपर पकड़ सकते हैं 1950 फिफ्टी इज साइकोलॉजिकल लेवल 1950 जब तक होल्ड करता है तो अगर आप सेल करेंगे यहां पे तो आपको ये वेव मिलेगा यू विल गेट दिस फिफ्थ वेव डाउन ऐसे सो लेट मीन जस्ट मार्क्स आपको ये मिलेगा ये वेव मिलेगा तो टारगेट क्या होगा आपका, आपका आप हंड्रेड और, और इसे आपका पांच वेव का सीक्वेंस शॉर्टर डिग्री पे पूरा हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे जब अठारह सौ का लेवल होल्ड करेगा तो आप उसको फिर अठारह सौ के ऊपर आप अगर होल्ड करता है होल्ड करता है तो वापस आप बाय करेंगे तो आप बाय करेंगे समझे सो so, आपको ये वेव फाइव मिल गया शॉर्टर डिग्री पे और आपको ये रिवर्सल भी मिल गया क्योंकि पांच वेव होने के बाद ये रिवर्स करेगा ट्रेड तो यहां पे आ जाएगा सो so, आपको दो दो यू uh, नो you know, वेव खाने को मिल जाएगा एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑपरचुनिटी फ्रॉम द टॉप और बिलो नाइनटीन हंड्रेड यू विल गेट एन ऑपरचुनिटी टू यू नो बुक एट ऑफ एंड एंड्रेड और जब ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा देन यू विल इफ अबाउ एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड के ऊपर जैसे ये मूव करना चालू हो गया तो आप बाय कर सकते हो और आपका टारगेट वही होगा वापस एटीन फोर्टी और बी टेन फिफ्टीन पॉइंट्स अपन डाउन आपको ये पूरा ट्रेड मिल सकता है अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और लॉन्गर टर्म में क्या मैंने आपको बताया कि ये मैं बी वेव देख रहा हूं और अगर ये चैनल तोड़ दिया तो ये डेफिनेटली बी वेव है अब मैं इसको वीकली चार्ट पर वापस नेविगेट करूंगा और आपको ये मैं रिमूव कर देता हूं जस्ट रिमूव दिस आई टेक डेली चार्ट और मैं डेली चार्ट पे आप चैनल वापस बना देता हूं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप है अगर ये चैनल को तोड़ दिया तो आप समझ जाइए कि आ, यू नो ये सीक्वेंस है कुछ तो करेक्टिव आ, नो करेक्शन चल रहा है और फिर इसका डाउनसाइड का बड़ा टारगेट क्या हो जाएगा ये सोलह सौ टारगेट हो जाएगा और उसका टारगेट 1400 के आसपास हो जाएगा ये टारगेट हो जाएगा तो आ, होप आ, यू आ, Uh, you getting some sense out of this, and that is why you know uh, this channel is all about. I hope you liked it. Up uh, comment section open here. You can uh, comment in my ideas downside. And if you like these exciting ideas, do subscribe to the channel to get these exciting ideas. And don't forget to press the bell icon uh, and all notifications so jabbib my idea laung in maybe even middle of the night it will be really you know beneficial for all of you uh, but make sure that you go through the idea completely don't skip the idea if you are skipping the idea that means you are not serious to you know uh, 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 learn something which someone is offering you um, i'm offering you my experience and my knowledge share these ideas so that you also learn everyone learns out of uh, my efforts